हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। अभी जो टाइम है हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और दिन है फ्राइडे और तारीख है 21 जनवरी। आज है गणेश चौथ और मैंने फास्ट रखा है। मेरे गले में यहाँ पे ना ये पता नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। और जो है ना सुबह से लाइट नहीं है और इसलिए सारे की वॉशिंग मशीन में कपड़े सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं क्योंकि लाइट ही नहीं है। सुबह से पानी भी नहीं है टंकी में और मुझे तिल के लड्डू बनाने हैं और सभी को मैंने लंच करा दिया है, जैसे हस्बैंड को और बच्चों को लंच करा दिया है। यहाँ देखिए छवि और रुपेश अभी लंच कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए छवि और रुपेश लंच कर रहे हैं और अभी चलते हैं किचन में। तो किचन को मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि मुझे अभी बनाना है पूजा का, जो मतलब जो चढ़ेगा लड्डू वगैरह वो मुझे बनाना है। और अभी चलती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज यूट्यूब पे मुझे पूरे 1 साल हो गए हैं। 21 जनवरी को ही मैंने फर्स्ट वीडियो अपना अपलोड किया था और आज 21 जनवरी ही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कढ़ाई जो है चढ़ा दिया है गैस पे, ये देखिए। और यहाँ देखिए तिल है, ये काला तिल, तो इसे मैं अभी पहले भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी मैं कच्चा तिल निकाल लेती हूँ क्योंकि जो लड्डू चढ़ेगा तिल का वो कच्चे तिल का ही लड्डू चढ़ता है गणेश जी को, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा तिल निकाल लिया है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा तिल डाल के सारे तिल को मैं भून लूँगी। तो अभी देखिए मैं इसमें 3 कटोरी, इस कटोरी से मैंने लिया है, 3 कटोरी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे चला के हाई फ्लेम रखना है और हाई फ्लेम पर ही इसको चला चला के भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ना, जो तिल मैं भून रही थी उसमें से धुआं निकल रहा था और चटकने की आवाज़ आ रही थी। ये पहचान होती है कि तिल हमारा भून चुका है, तो उसे मैंने निकाल दिया है। और दूसरा जो टर्न है वो मैं डाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे काले तिल को भून लिया है और अभी मैं सफ़ेद तिल भून लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैं तिल दिखा रही हूँ कि मतलब तिल भून चुका है और यहाँ सफ़ेद तिल भुना जा रहा है। अभी मुझे रामदाना भी भूनना है, तो पहले मैं भून लेती हूँ सफ़ेद तिल को। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा ना देखने में ही। अब पूरा घर जो मेरा है ना वो सोंधा सोंधा, इतना अच्छा मतलब स्मेल आ रहा था पूरे घर में कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर जो तिल ठंडा हो जाएगा काला वाला, तो इसे रब करना है, दोनों हथेलियों से रगड़ रगड़ के रब करना है ताकि जो भी इसकी मतलब एक्स्ट्रा जो भूसी होती है, इसकी जो परत होती है हम भूसी बोलते हैं, वो निकल जाए। फिर मैं इसे पछोर लूँगी कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो कितना सारा भूसी जो है वो निकला है तिल से, करीबन 1.5 किलो तिल में है। मुझे लगता है धोते वक्त आधा किलो निकल गया था और 1 पाव के लगभग अभी निकल गया है। तो सब मैंने साफ़ कर लिया है, तिल को मैंने रख दिया है। और अब बारी है रामदाना भूनने की, तो रामदाना मैं भून लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा रामदाना डाल के इस तरीके से उसे कवर करके मैं भूनूंगी क्योंकि इसे अगर कवर नहीं करूंगी तो सारा रामदाना जो है कढ़ाई के बाहर आएगा, क्योंकि जब ये फूलता है तो पूरा ये फैल जाता है और किचन मेरा पूरा फैल गया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से फूलने के बाद ये लगता है। तो उसी तरीके से मैं सारे रामदाने को थोड़ा थोड़ा लेके और भून के मतलब पूरा रामदाना मैं भून लूँगी इसी तरीके से। तो आप देख सकते हो कैसे जो है रामदाना छटक रहा है और मेरे गैस की हालत भी देखो कितना सारा रामदाना फैल गया है। अब मैंने रामदाना सारा भून लिया है, अब मैं गुड़ की चाशनी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने गुड़ निकाल लिया है। पहले तो मैं काले तिल के लड्डू बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 1.5 किलो के लगभग गुड़ था, साफ़ करने के बाद से वो 1.25 किलो है, तो उसी हिसाब से मैंने 1 किलो गुड़ ले लिया। 1 किलो से ज़्यादा ही होगा थोड़ा, और हाई फ्लेम कर दिया है। और इस गिलास से मैंने 1 गिलास पानी, पूरा पानी डाल दिया है। और अब मैं इसे चला चला के इस मतलब गुड़ की चाशनी बना लूँगी। और जब गुड़ मेल्ट होगा तो पानी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और कुछ इस तरह से पाक तैयार होता है। अभी मैं चेक करके आपको बताऊँगी कि पाक रेडी है या नहीं। तो 1 कटोरी मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें गुड़ की चाशनी डालूँगी। जब एक दूसरे में अच्छे से मतलब ये देखिए जब ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी चाशनी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार है। तो बस मुझे अब इसे उतार लेना है और तिल जिसमें मैंने रखा था तिल के ऊपर मतलब इसे मतलब फैला देना है और अच्छे से गरम गरम जल्दी से मेल्ट मतलब मिक्स करना है तिल में। अगर गरम गरम ही इसे मिक्स नहीं करेंगे ना तो मतलब पूरा मतलब तिल जो है अच्छे से लड्डू नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी मतलब गरम गरम ही लड्डू बना रही थी मिक्स करने के बाद।
छवि भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। बाद में मुझे पता चला कि उसको फीवर है, तो मैंने उसे हटा दिया, दवाई देके उसे मैंने सुला दिया था। तो अभी देखिए तिल का लड्डू बन गया है, और अब मैं सफ़ेद तिल का मतलब जो गुड़ का चाशनी है वो तैयार कर रही हूँ सफ़ेद तिल के लिए। यहाँ कपड़े भी वाश हो चुके हैं, ये रुपेश रिकॉर्ड कर रहा है, तो अभी कपड़े भी वाश हो चुके हैं और मैं यहाँ पे मतलब जो है गुड़ की चाशनी बना रही हूँ। ये देखिए ये भी चाशनी बन के रेडी है। यहाँ तिल का लड्डू, वाइट तिल का लड्डू जो है सफ़ेद तिल का, वो बन के रेडी है। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी रामदाने का लड्डू, वो भी मेरा बन चुका था। फिर मैंने बनाया जो सीताफल होता है यानी कि कद्दू, उसको मैंने उसी कढ़ाई में दो गुड़ डाल के 5 से 10 मिनट में ये भी पक गया, तो सारा तैयारी हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सब कुछ बना लिया है और डिनर की तैयारी भी कर ली है। बस मुझे डिनर बनाना होगा जब मैं चंद्रमा को अर्घ देके आऊंगी और रुपेश मुझे अर्घ दे देगा, तो चार लेना। रुपेश यहाँ देखिए पूजा की तैयारी कर रहा है और कपड़े भी वाश हो गए हैं। लाइट आ गया था, यानी कि लाइट जो है ना वो मुझे लगता है कि 2 घंटे पहले आया है। तो देखिए कपड़े वाश हो गए हैं, कपड़े इसमें पड़े हुए हैं। तो अभी पहले मैं सारा काम कर लूँगी, उसके बाद मैं कपड़े भी मतलब देखूँगी फैला दूँगी उसे, ताकि रात में कुछ सूख जाए। छत पे तो नहीं फैलाऊंगी क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी, हो सकता है कि आज रात को ही बारिश हो, इसकी वजह से मैं कपड़े अभी नहीं फैलाऊंगी। और मेरे गले में यहाँ पे दर्द है ना, इसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है ऐसी आ रही है। तो फ्रेंड्स देखिए तिल का लड्डू जो है यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो है सफ़ेद तिल के लड्डू हैं, और यहाँ पे मैंने जो कोड़ा है वो चढ़ाने के लिए रखा हुआ है, पर अभी चढ़ाऊँगी नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने रामदाने का ये बनाया है पट्टी देखिए, और यहाँ पे रुपेश कर रहा है पूजा की तैयारी। से भी चलती हूँ, मैं भी रेडी हो जाऊँगी अर्घ देने के लिए। और यहाँ छवि को फीवर आ गया, ये देखिए यहाँ पे सोई हुई है छवि, और फीवर आया, बोल रही है फ़ोन चाहिए मुझे। अगर मैं फ़ोन इसे दे दूँगी तो मैं ब्लॉग कहाँ से शूट करूँगी, तो इसलिए मैं फ़ोन इसे नहीं दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगी, और गला भी दर्द हो रहा है, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि 8:30 बजे चंद्रमा जो है उदय हो जाएंगे। चलिए तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो मैंने आपको दिखाई थी कि मैं इसका ब्लाउज ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, और बाल मैंने खुले रखे हैं क्योंकि आज की जो पूजा होती है ना उसमें लड़के जो हैं बाल मतलब बाल से अर्घ देना होता है, तो इसीलिए मैंने बाल जो है खुला रखा है। तो अभी हम चलते हैं छत पे पूजा करने के लिए। हाँ लेकिन पानी भर दी, तो चलिए फ्रेंड्स छत पे चलते होते हैं। हाँ लाइट तो ऑफ है यार, लाइट तो लगा ही नहीं है, कुछ करती हूँ। और फ्रेंड्स अभी हम लोग छत पे आ गए हैं, मैंने पूजा कर लिया है, रुपेश ने भी पूजा कर लिया है, और बहुत ज़्यादा ठंड था, मैंने आग भी जलाया था पर कोई असर नहीं हो रहा था, और लाइट बहुत कम मतलब उजाला बहुत कम था, इसलिए यहाँ पे मतलब वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पाया है आप देख सकते हो। और फिर चंद्रमा उदय हो गए तो रुपेश ने मुझे अर्घ दिया, मैंने अर्घ मतलब रुपेश के हाथ से किया, और कितना कोहरा हो गया है इतना जल्दी, मतलब 9 बजे तक तो उग ही गए थे, 9:30 बजे तक आप कोहरा देख सकते हो कि मतलब कैमरे में कोहरा कितना ज़्यादा आ रहा है। हमारे गणेश चौथ की जो पूजा है वो हो गई, वहाँ देखिए वहाँ पे, ये पहले नीचे चलते हैं फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स आ जाइए खा लीजिए आप लोग भी, मैं और रुपेश छवि जा रहे हैं खाने अभी, तो अभी खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मुझे भूख तो नहीं लगी है पर प्यास लगी और मेरे गले में दर्द है, तो जब मैं खा लूँगी उसके बाद ही मेडिसिन खा पाऊँगी। तो पहले मैं खा लेती हूँ फिर आप लोगों से बातें करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने खा लिया है मतलब तिल और शकरकंद और जो सीताफल होता वो सब खा लिया है, और मैंने अभी दवाई भी खा ली है, दवाई वहाँ रखी है, कल भी खाऊंगी। और हस्बैंड के लिए सब्जी बना रही हूँ, समय हो रहा है इस समय शायद 10:30 हो रहा है देखो, क्योंकि अनुपमा सीरियल अभी ख़त्म हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हो 11 बजने वाला है, मतलब 5 मिनट कम है 11 बजने में, और सब्जी भी बन के रेडी है। चलिए एक बार चेक कर लेती हूँ सब्जी को। तो यहाँ देखिए भुजिया भी जो है वो बन गई है, बस थोड़ा सा और इसे करारा करना है, और जब हस्बैंड आएंगे घर पे तो बस रोटी निकाल के गर्मा गर्म उन्हें खिला दूंगी, और बस
आधे घंटे में वो भी आ ही जाएंगे। 11 तो बजने में 5 मिनट कम है, 5 हाँ वही 5 मिनट कम है। और छवि का फीवर जो है वो उतर गया है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड कर दूँ। और ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि हम लोग देखिए डबल डबल रजाई ओढ़े हुए हैं। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बोलो क्या बोलना है? बोल रहा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है खा लेना, तो वही रुपेश बोल रहा है कि एक और तिल खाऊंगा, तो मैंने बोला कि ठीक है खा लेना। ये लोग के लिए तो बनाया है, ये लोग नहीं खाएंगे तो कौन खाएंगे। कोई पेंट करती हूँ और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज, लाइक करिए। व्यूज के हिसाब से लाइक नहीं आता है, वैसे व्यूज ही कौन सा आता है, व्यूज भी नहीं ज्यादा आता है, और व्यूज जो भी रहता है लाइक तो उतना भी नहीं होता है। प्लीज लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय। छवि भी बोल रही है बाय बाय।